खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इस बीच बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव, उनका कहना है कि जो भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो दरअसल देश के साथ विश्वासघात और गद्दारी कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं हरनाथ सिंह यादव, राज्यसभा के सांसद हैं। हरनाथ जी, राज्यसभा से पास हो पाएगा जितनी आसानी से लोकसभा से पास? निश्चित तौर से पास हो पाएगा। और ऐसे लोग जो इस देश की एकता, अखंडता, देश की सार्वभौमिकता, देश के मान सम्मान, स्वाभिमान में विश्वास रखते हैं, वो सब लोग इस नागरिकता संशोधन विधेयक का सपोर्ट करेंगे और स्पष्ट तौर से ये भारी बहुमत से पास होगा। लेकिन राज्यसभा में नंबर्स को लेकर के सवाल है कि लोकसभा में तो आपके पास मेजोरिटी थी, आसानी से पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में ये जो मुद्दा है राजनीतिक मुद्दा नहीं, देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश की एकता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो लोग देश की अस्मिता और एकता में विश्वास रखते हैं वो सब हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां अभी भी उसी जो है रुख पर कायम है कि संविधान के खिलाफ है, और आसाम और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं जहां पर हिंसा भी होने लगी है। हिंसा का तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो दल विरोध कर रहे हैं उनके इस देश की जो पवित्र मिट्टी की सुगंध है उससे उसके पहचान नहीं है। और हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देखिए, सिकंदर पौरुष से लेकर के आज तक का, देश के अंदर देश के प्रति घात करने वाले लोग, देश के साथ विश्वास करने वाले लोग, देश के प्रति गद्दारी करने वाले लोग हमेशा रहे हैं। जाने में अनजाने में वही ये काम कर रहे हैं। कौन विश्वासघात और गद्दारी कर रहा है? जो लोग ऐसे लोगों से विरोध कर रहे हैं, इस मुद्दे पर विरोध कर रहे हैं, वो देश की अस्मिता से खेलने का काम कर रहे हैं, जाने में अनजाने में। कुछ लोग जानबूझ करके कर रहे हैं और कुछ लोग जो है उनके षड्यंत्र फंसे हुए हैं। यानी साफ तौर पर हरनाथ सिंह यादव का कहना है कि देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं लोग, गद्दारी कर रहे हैं ऐसे लोग, जाने में अनजाने में ही सही, लेकिन जिस तरीके से इस बिल का विरोध किया जा रहा है तो वो देश के साथ में एक तरह से गद्दारी है। कैमरा पर्सन सुंदर सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।